होती है ना छोटी 6.3 mm की, उसे बहुत अच्छी शॉट लगती है क्योंकि वो एक्यूरेट लगती है। मैं सामने निशाना देता हूँ, वो मैं स्टील के जो एमओ है उस पर बनाऊँ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ हमज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वाइल्डनेस हमज़ा। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगा स्लिंग शॉट का रबड़। ये देखें, काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि जो स्लिंग शॉट ले लेते हैं जो इसके साथ रबड़ आता है वो एक तो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, और अगर काम कर भी जाए कुछ दिन तो कुछ दिन बाद वो जो है टूट जाता है। तो मार्केट से वो रबड़ जो है वो जो क्या कहते हैं रबड़ बैंड वो मिलता भी नहीं आसानी से। ठीक है, तो ये कोई बाहर का कंट्री है नहीं कि इधर से इजीली मिल जाए, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं ये देखें ब्लेडर। ये जो रबर बैंड मिलता है जो स्पेशलिस्ट के लिए मिलता है ना, ये उससे भी अच्छी क्वालिटी का है, लचक बहुत ज़्यादा देता है एक तो। ठीक है, तो आज मैं आपको ना इसकी जो है लेंथ काटने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल। पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो रबड़ ये किधर से मिलता है और कितने का है। तो बहुत ईजी सा है, ये किसी भी स्पोर्ट्स शॉप से मिल सकता है ईजीली, और इसकी कीमत 100 से 120 के दरमियान है। ठीक है, उसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको काटने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो सिर्फ सिंपली 3 चीज़ें हैं, स्केल, ठीक है, बॉल पेन और कैंची अच्छी क्वालिटी की। सबसे पहले आपने इसको इधर से काट लगाना हल्का सा, ठीक है, इसको रिमूव करके आपने इधर से एक ऐसे काट कर लेना। इसको देखें 400 में काट लिए, अब इसको इधर से कट कर लेते हैं सब। देखें ये देखें ये देखें, अब इसके ऊपर से ये ब्लैक जो है ना ये रिमूव करना, ये इजीली हो जाएगा इधर से इस तरह। बैक साइड से आप करेंगे तो फिर इजी होगा। ठीक है, ये मैं आपको रिमूव करके फिर दिखाता हूँ। ये देखें, मैंने इसके से जो है इसके ऊपर से जो ब्लैक वाला उतार लिया ब्लैक रबर, तो अब इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग के लिए सबसे पहले आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। ठीक है, ये देखें इसकी आपने लेंथ देखनी है पहले, ये 22 inches है। ठीक है, और कटिंग इसकी जो चौड़ाई है वो आपने इधर से रखनी है 4 inches की, इधर से ऐसे। ठीक है, 4 inch की रखेंगे तो बेहतरीन जो आपकी कटिंग होगी। इसके ऊपर मैं निशान लगा लूँ, ये देखें ये मैंने इधर 4 inch का जो निशान लगा दिया, अब इस साइड पे लगाएंगे 4 inch का। ये देखें इस तरह, ठीक है, अब इसकी जो है बराबरी देखेंगे इधर से, ये देखें बराबर इसको इधर से ऐसे लगा लेंगे निशान। ठीक है, और दूसरा निशान ये था, ये और इसको दोबारा इधर से चेक करेंगे। ठीक है, 4 inch 4 inch, ठीक है, नहीं थोड़ी सी टेढ़ी होगी है, इसको मैं सीधा कर लूँ। ये देखें निशान लग गया, अब इसको कट करते हैं। अगर आपके पास जो है राउंड कटर है
तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। मेरे पास कैंची है तो मैं कैंची से ही कट करूँगा। एक जो है ब्लेडर उससे 6 बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो सही तरह ये ब्लैक उतारते हैं ना तो उससे फिर 6 किस्म के जो है ना 6 जो तीन पेयर बन सकते हैं, ठीक है। अब ये 4 इंच इसका कट कर लिए, अब इसको सेंटर से हम 2 इंच का करेंगे इस तरह, ठीक है। ये देखें, इस तरह ये देखें 2 सेंटीमीटर का हमने जो है निशान लगा लिया। अब इसको कट करेंगे सेंटर से। ये देखें कट हो गया। ये देखें कट कर दिया, कितनी लचक है इसमें। अब इसके जो ये कॉर्नर्स हैं, सॉरी ऊपर वाले नीचे वाले से इसको बराबर कर लेते हैं। ये देखें इस तरह, इसको ऊपर से इस वाले को भी इसी तरह कर लेंगे। और सबसे मेन चीज़ जो है आपने इसका साइज़ जो है ना वो आपने बराबर रखना है। अगर बराबर नहीं रखेंगे तो आपका जो निशाना है वो बिल्कुल गलत लगेगा, ठीक है। अब इसको इधर से नीचे से करते हैं बराबर। ये देखिए थोड़ा सा फ़र्क है, इसको अब बराबर कर लेते हैं इधर से। ये देखें बिल्कुल बराबर हो गया, ठीक है। अब आपको मैं इसको जो है ना, अब जो मैं इसको इस पे लगा के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये देखें दोनों साइड पे मैंने कर लिया, दूसरी साइड भी हो गया है। इसको भी इधर से कट करेंगे। ये देखें काफ़ी मज़बूत है ये, इतनी आसानी से बल्कि उतरेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसको स्लिंग पे लगा देते हैं। ये देखें इस तरह से ये जो साइड है ये बाहर आएगी। इस तरह से खोलते हैं, ये देखें खुल गए दोनों साइड्स, ठीक है। अब इसको इक्वली जो है ना आपने दोनों साइड से इक्वली देखना है, इधर से और इधर से इसको बंद करना है एक साइड से, और इसी तरह ही दूसरी साइड को इस तरह करना है इक्वली। देख लें इक्वल है, ठीक है। इसको भी बंद कर देना, ज़ोर से नहीं प्रेस करना नहीं तो रबड़ जो है ना वो जल्दी टूट जाता है। ये है कैंची, बस इतना ही बहुत है। नहीं जी, स्लिंग का रबर जो तैयार हो गया। अभी मैं आपको ना शॉर्ट करके बताऊंगा। ये देखें अभी इसे मैं ना पत्थर भी मारूंगा, ठीक है। आपको मैं चेक करके दिखाऊंगा। ये देखें आ जाए बाहर, थोड़ा आ जाए कैमरा लेके बाहर। चलो ये पत्थर है, मैं अब आपको मैं इसे शॉर्ट लगा के दिखाता हूँ। अंदर साइड लगा के किस तरह, ये वैसे स्टील की जो बॉल्स होती है ना छोटी 6.3 mm की, उसे बहुत अच्छी शॉट लगती है क्योंकि वो गोल होता है और उसका वेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, ठीक है। वो एक्यूरेट लगती है। अब मैं सामने निशाना लेता हूँ। ये देखें वो कितनी दूर गया है, एक और लगाते हैं निशाना। ये हल्का स्विंग हो जाता है वो आदमी। जो स्टील का एमओ होता है वो जो है ना स्विंग नहीं होता है। नेक्स्ट वीडियो जो है ना वो मैं स्टील के जो एमओ है उस पर बनाऊँगा, ठीक है। ये देखें ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।